हेलो फ्रेंड, निर्भय वन वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का ये जो अपडेट है डीआरडीओ सेप्टम 10 की तरफ से अपडेट है। जिन्होंने डीआरडीओ सेप्टम 10 का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सबके लिए गुड न्यूज़ है और बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑफिशियल इसका अपडेट है आया हुआ है डीआरडीओ की ऑफिशियल साइट पे कि इसका एडमिट कार्ड जो है कमिंग सून हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको देख के ही चौंक जाएंगे कि इसका इतना जल्दी एडमिट कार्ड आ गया है। तो जी हाँ, आपका जो एडमिट कार्ड है ये कमिंग सून हो गया है, यानी आपका एडमिट कार्ड जल्द ही आएगा और आपका एग्ज़ाम जल्द ही होगा। बहुत सारे फ्रेंड जो है हमसे पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, संभावित तिथि क्या हो सकता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको जो है इसका अपडेट है वो दिखाने वाले हैं। तो ये एसटीए बी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए स्टूडेंट के लिए होने वाला है। अब देखिए, इसके डीआरडीओ का ऑफिशियल साइट हम ओपन कर चुके हैं और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीआरडीओ इंट्री टेस्ट सेप्टम 10। ठीक है, सेप्टम 10 पब्लिक DRTC। यहाँ पे स्टेटस ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना का जो स्टेटस है उसमें लिखा है कि एडमिट कार्ड जो है इशू सून हो गया है। इशू सून कहिए या कमिंग सून को ये बात एक ही हुआ, यानी आपका एडमिट कार्ड जल्द से जल्द आएगा। और आप खुद भी देख सकते हैं कि 14 अक्टूबर को, यानी कल के ही डेट में 14 अक्टूबर को जो है यहाँ पे एक एडमिट कल के ही डेट में एक आया था अपडेट डीआरडीओ के ऑफिशियल साइट पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड या कंसीडर्ड नॉट कंसीडर्ड एप्लीकेशन, यानी बहुत सारे स्टूडेंट का जो है यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसका अपडेट आया था यहाँ पे एसटीए बी पोस्ट के लिए। ठीक है, जो कि आप लोग को हम बताए थे 14 अक्टूबर को इसका, यानी कल के ही डेट में इसका अपडेट आया था। अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है इसी का अपडेट है, तो आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो सितंबर में जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, आप लोग जो अप्लाई किए थे उसी का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। अब देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट जो है हम डाउनलोड कर रखे हैं कि सेप्टम 10 पब्लिक DRTC, यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी सेम है, यानी यही एडवर्टाइजमेंट यही एडवर्टाइजमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एसटीए बी के लिए है उसका दो स्टेज में एग्ज़ाम होगा, यानी CBT 1 और CBT 2। तो यहाँ पे जो इंट्री टेस्ट के बारे में लिखा है कि इंट्री टेस्ट जो है आपका ये है, तो इंट्री टेस्ट यानी CBT 1 का बात कर रहा है कि आपका एडमिट कार्ड इसका जल्द ही रिलीज किया जाएगा। और टेक्नीशियन ए के लिए बात करेंगे तो इसका भी CBT 1 होता है, तो आपका CBT 1 के बारे में अपडेट है कि आपका एडमिट कार्ड जल्द ही आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। अब बात करें कि अगर एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट का कोई अपडेट नहीं दिया है, आपको पहले ही बता दें। यहाँ पे जो अपडेट था, जो रियल अपडेट था, वो आपको यहाँ पे दिखा दिए कि एडमिट कार्ड इशू सून हो गया है। अगर एग्ज़ाम का बात करें तो एग्ज़ाम आपका जो है दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मे बी चांस है, मैक्सिमम चांस है कि आपका दिसंबर में आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर को मान करके ही आप लोग बेस इसको मान करके ही तैयारी करते रहिए। बहुत सारे जो है यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि जनवरी में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एडमिट कार्ड कमिंग सून हो गया है, तो इसका एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द होगा। मैक्सिमम चांस है कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।